प्रिय जिज्ञासुओं, अभी आज के होलिका दाह के संदर्भ में आज मैं होलिका दाह का प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूँ। 9 तारीख सोमवार को होलिका दहन होना है। 9 तारीख सोमवार को जब होलिका दहन होगी तो होलिका क्यों जलाई जाती है, पहला प्रश्न यह है, और किस प्रकार से जलाई जाती है, उसका किस मुहूर्त में जलाई जाती है, इन सारे प्रश्नों का मैं आपको होलिका के संदर्भ में उत्तर प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूँ। होलिका का जो त्यौहार है, भगवान नरसिंह यानी इस प्रकार से भगवान के अवतार का ही ये त्यौहार है। भगवान ने जो है जिस प्रकार से अवतरण धारण किया है और भक्त प्रहलाद को वरदान दिया है, भक्त प्रहलाद की रक्षा की है, उस उत्साह के लिए हम होलिका दहन करते हैं। होलिका वास्तव में हिरण्यकश्यपु जो राक्षस होता था, उस राक्षस की बहन का नाम होली है। वो राक्षसी थी, उसकी बहन वो राक्षसी का नाम होलिका था, और वो राक्षसी कर्म करती थी, और हिरण्यकश्यपु की बहन थी, वो भी राक्षस था। कथा इस प्रकार से है कि हिरण्यकश्यपु जो राक्षस था, वो अपने शासन काल में कोई भी भगवान का चिंतन नहीं कर सकता था। उसका इतना आतंक मचा हुआ था कि कोई भी ईश्वर का चिंतन, राम नाम, कृष्ण और विष्णु की उपासना कोई नहीं कर सकता, भजन पूजन उसके शासन में कोई भी नहीं कर सकता था, जो भी करता था उसको मरवा देता था। उन्हीं का लड़का, हिरण्यकश्यपु का लड़का भक्त प्रहलाद जो कि भक्ति साधना में प्रवृत्ता रही। अब देखिए, एक बहुत अच्छी कहानी है, एक राक्षस के घर और भक्त का जन्म हुआ। ये प्रश्न जो है इतना बहुत अच्छा सटीक प्रश्न है कि राक्षस के घर में भक्त प्रहलाद हुआ, वो भक्त क्यों हुआ जबकि राक्षस था। वस्तुति स्थिति है कि हिरण्यकश्यपु विष्णु के नाम से, विष्णु भगवान के नाम से इतना ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष चढ़ता था कि उसको किसी भी प्रकार के विष्णु का नाम पसंद ही नहीं आता था। तो जब भक्त प्रहलाद का जन्म के पूर्व, जब गर्भ धारण करने के पूर्व, भक्त यानी हिरण्यकश्यपु अपनी पत्नी के पास जाता था और पत्नी के पास जाकर के जब भी जो है सो रति क्रिया करने के लिए उद्यत होता था, उसी समय इंद्र कौवा बनकर के बैठ जाता था और विष्णु विष्णु वो कहता था। इंद्र जब भी रति क्रिया के लिए जाता था तो इंद्र यहाँ विष्णु विष्णु करता था, तो उसको डिस्टर्ब होता था, उससे शत्रु का नाम हो जाता था, वो एक आनंद मौज विभोर में रहता था और विष्णु अपने शत्रु का नाम सुन करके उसको क्रोध आ जाता था और क्रोध आ करके फिर वो कौवा को भगाने जाए। तो इस प्रकार से उसकी पत्नी ने कहा, हिरण्यकश्यपु की पत्नी ने कहा, प्रभु आप बार बार उठ करके जाते हैं और इस प्रकार से आप क्यों चले जाते हैं बार बार उठ करके, और ऐसे प्रसंग काल में आप जा रहे हैं। तो बार बार कहा कि मेरे शत्रु का ये नाम रहता है कौवा, तो आपका शत्रु कौन है, आपका शत्रु, तो उन्होंने कहा मेरे शत्रु विष्णु है, हमेशा विष्णु विष्णु उच्चारण करता है। तो विष्णु विष्णु उच्चारण करते करते इस प्रकार से 108 बार जो है सो हिरण्यकश्यपु के मुख से और उनकी पत्नी ने ये नाम उच्चारण करा दिया, उसके बाद गर्भ धारण हुआ। तो उस विष्णु यानी उसकी जो भावना थी, भावना प्रमाण से क्या होता है, जन्म जो है सो माता पिता जब देते हैं, गर्भ धारण करते हैं, उस समय एक मुहूर्त और एक शुभ समय, एकदम उसकी मनोभावना कैसी होना चाहिए वैसी संतान गर्भ में आती है।
तो उस काल में विष्णु का उच्चारण करते हुए गर्भ धारण हुआ, इसीलिए भक्त प्रहलाद जातो और हिरण्यकश्यप राक्षस के यहाँ पैदा हुआ। अब जब प्रहलाद जातो भक्ति भावना में इतना तल्लीन जाता, इष्ट मित्रों को बुलाता और विष्णु का उच्चारण करता था, जगह जगह कीर्तन करता था, नाम कीर्तन शंकर विष्णु का करता था और पूजन पाठ करता था, सब इष्ट मित्रों को बाल गोपालों को ले जाकर चिल्लाता था विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय इत्यादि सब। और ये हिरण्यकश्यप को सहन नहीं होता था, जब उसको सहन नहीं होता था तो वो बार बार उसको अनेक प्रकार की यातनाएं दी, उसने अनेक प्रकार की यातना दी कि मेरा बेटा हो करके और तू जो है सो मेरे शत्रु का नाम लेता है, उसका भजन करता है, इसलिए तेरे को मैं स्वीकार नहीं करूँगा। अनेक यातना देने के पश्चात भी जब मैं थक गया वो और किसी प्रकार से भक्त प्रहलाद माने नहीं, हमेशा विष्णु की आराधना करते रहे, तो उसने एक युक्ति बनाई कि मेरी बहन जो होलिका है, होलिका को एक वरदान था, वरदान जो था तो होलिका को, तो उसको वहाँ पर अपने गोदी में बैठा करके कहा कि इसको तुम जला दो, यानी तुम जो है सो इसको जला दो, उसको गोदी में बैठ करके। तो होलिका ने अपनी गोदी में बैठ करके गोदी में उसको भक्त को प्रहलाद को हमेशा जो है सो बैठा करके और दाह संस्कार करवा दिया। दाह संस्कार करने से क्या है कि भक्त प्रहलाद जो है वो तो जीवित रहे, वो नहीं जल सके, लेकिन जो जलाने वाली होलिका थी वो स्वयं जल गई, भस्म हो गई। इस प्रकार से वो होलिका का उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु की आराधना का ये त्यौहार है और भक्त प्रहलाद की जैसे रक्षा का ये त्यौहार है, तो उसी उत्साह के मग्न होकर के दूसरे दिन उस खुशी में दूसरे दिन इसका मंगल कामना करते हुए भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए मंगल उत्सव मनाते हैं, जगह जगह यानी रंग गुलाल खेलते हैं और अनेक प्रकार के सभी प्रकार के आनंद और मस्ती में सबका जीवन हो जाता है। और उसके पांचवें दिन ऋषि पंचमी होती है, तो ऋषि पंचमी के दिन ये पांच दिन तक का त्यौहार होता है, पूर्णिमा से पंचमी तक ये त्यौहार चलता है। हमेशा श्रावण का त्यौहार हमेशा पूर्णिमा से और जन्माष्टमी तक चलता है, आठ दिन का है। और दीपावली का त्यौहार अमावस्या एक देव उठनी एकादशी तक 11 दिन का चलता है और ये त्यौहार 5 दिन का चलता है। इस प्रकार से इन त्यौहारों की महिमा बताई गई है। जो कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि श्रावण वो ब्राह्मणों का त्यौहार है, उसमें और बलियों का त्यौहार, वैश्यों का त्यौहार दीपावली होती है और ये अंत्यजों का त्यौहार जो है तो होलिका होती है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार से फगुआ करते हैं, अनेक बार वाणी से भी अनाप शनाप बोलते हैं, यानी आनंद मौज मय का त्यौहार। इसलिए सारे दोनों त्योहारों से सबसे अच्छा त्यौहार होलिका का इसलिए माना जाता है, खुल करके आदमी जो है तो प्रसन्न चित्त होता है, खुल करके हंसता है, उसके सभी जो है तो इंद्रियां जो है तो एकदम प्रफुल्लित हो जाती हैं। इसलिए होलिका का त्यौहार बड़ा मंगलमय त्यौहार माना जाता है, मन प्रफुल्ल करने वाला त्यौहार होता है, इसलिए इस त्यौहार को मनाना चाहिए। होलिका दाह का जो समय है शाम को जैसो 6 बजे से रात्रि के 9 बजे के बीच में रहती है, भद्रा जो उस दिन है नहीं है शाम को, भद्रा सवेरे रहती है जो कि सुबह 10 बजे तक निकल जाती है, कि भद्रा में होलिका दाह नहीं होता है। मंगलमय समय जो है सो शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में है, तभी होलिका दाह करना चाहिए। और जो होलिका दाह के बाद होलिका की पूजन करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए और उपले गोबर के जो कंडे बना करके उसमें जला करके उसकी भस्म रखना चाहिए। ये कभी कभी ये भूत प्रेत पिशाच कुछ लगते हैं, कभी कोई नुकसान होता है तो ये बड़ी काम की भस्म होती है, होलिका की भस्म रखना चाहिए। तो कभी एक टोटका करने वाली भस्म होती है उसको रखे रहो 12 दिन, किसी प्रकार के बच्चों को तकलीफ हो जाए तो उसको लगा दो तो वो
दुख दर्द से सब ठीक हो जाती है। इस प्रकार से होलिका का मंगलमय त्यौहार, प्रसन्नता प्रमुग्धता का त्यौहार है। मस्तीमय मंगलमय हो करके मनाना चाहिए। मस्तीमय का त्यौहार केवल एक ही त्यौहार है पूरे साल भर का, जिसको प्रसन्नता से मनाते रहें। और दूसरा, एक दूसरे के जो शत्रुता हो गई है, किसी प्रकार से दुश्मनी हो गई है, मित्र बिछड़ गए हैं, तो हम आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे गले में कुछ दिन से दुश्मनी समाप्त करके और नए सिरे से नया जो है तो व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए होलिका का त्यौहार है। इन मंगल कामनाओं के साथ हरिओम।